नर रोवेली धरती अधारी अर कौवा के बदनवा रमता ही छतवा गोपालगंज जिले की जान है भोजपुरी और इस जिले की शान है भोजपुरी लोक गायकी। रोवेली धरती अधारी गौवा की बदनवा रमता ही छनवा। यही कारण है कि आज भी जिले में भोजपुरी की महक और उसका मिठास यहाँ की लोक संस्कृति में दिखाई पड़ता है। गांव में गाते हैं, दरवाजे पे गाते हैं, माँ बहन बेटी बैठती हैं, परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं, इसी में हमको आनंद आता है। गांव देहात के लोग आते हैं, छोटे से बड़े सब कोई आते हैं, औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, यही मेरा कल्चर है, इसी में पैदा हुआ हूँ और इसी में मुझे आनंद आता है। विजेंद्र गिरी गोपालगंज का वो नाम है जो करीब 20 वर्षों से इस जिले के लोगों को भोजपुरी लोकगीत और भजनों से तृप्त कर रहा है। करीब 200 से ज्यादा सीडी और सैकड़ों भोजपुरी गाने गा चुके विजेंद्र गिरी इस जिले की शान है। शान इसलिए क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा इनकी गायकी और इनके भोजपुरी अंदाज का कायल है। साफ सुथरे गीत जिनमें धर्म की बात भी है और समाज के नैतिक मूल्य भी विजेंद्र गिरी की मनोरंजक वाणी में ओतप्रोत होकर देखने और सुनने वालों में एक विशिष्ट संस्कृति का संचार करते हैं। कहते हैं भोजपुरी फिल्म हो या भोजपुरी गाने, अगर छपड़ा सिवान और गोपालगंज के इलाके में चल गया तो समझिए हिट हो गया। हर सिंगर के नजर सिवान गोपालगंज छपरे पर विशेष रहेगा। ये तीन गो जिला ऐसा बा कि मिनट में जीरो से हीरो बना। वहीं दूसरी ओर राजू रसिया जैसे भोजपुरी गायक भी हैं जो आज के आधुनिक दौर में भी अपनी गायकी में समाज के नैतिक मूल्यों को बचाए हुए हैं। केहू के गरीबी नदी कि गरीबी अगर दी गरीबी अगर दी तब बेटी नदी ए मैया केहू के गरीबी नदी। हम लोग भोजपुरी गाने इसलिए गाते हैं कि हम लोग के जैसे गोपालगंज है, छपरा, सिवान, हर जगह पे भोजपुरी गाना बहुत अधिक चलता है। जितना हिंदी नहीं चलता है उतना ज़्यादा भोजपुरी चलता है, इसीलिए सभी लोग भोजपुरी में लगे रहते हैं। हम लोग भी भोजपुरी बहुत अच्छा लगता है। विजेंद्र गिरी हो या राजू रसिया या फिर गोपालगंज का कोई अन्य कलाकार, भोजपुरी गायकी में अपनी साफ सुथरी छवि बरकरार रखने के कारण आज इस जिले की शान बने हुए हैं और ऐसी ही परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं।